नमस्कार, मैं जनवक्ता शुभम गौतम। खबर आ रही है नेपाल से, जहां पर जिस तरीके से ओली की कुर्सी डगमगा रही है, उसके बाद ओली ने एक बयान दिया था कि भारत उसकी कुर्सी को हिलाने की कोशिश कर रहा है, भारत उसको अपदस्थ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी को लेकर आज नेपाली कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी की बड़ी बैठक हुई और इसमें स्पष्ट तौर पर चार बड़े नेताओं ने ये कहा है कि अब ओली को अपना पद छोड़ देना चाहिए। इनमें सबसे पहले हैं जो को चेयरमैन हैं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के, पुष्प कमल दहल यानी प्रचंड, और उसके अलावा माधव नेपाल, झालानाथ खनाल, और चौथे हैं ब्रह्म वामदेव गौतम। अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल रख दिया पुष्प दहल कमल ने, और उन्होंने सीधे तौर पर पूछा है ओली से कि इस बात का वो सबूत दें कि उनकी कुर्सी को गिराने का प्रयास भारत से हो रहा है। यानी कि प्रचंड ने अब सीधे तौर पर ओली को चैलेंज कर दिया है कि वो जिस तरीके के आरोप भारत पर लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी कुर्सी उनके खुद के कुकर्मों की वजह से जाने वाली है। और अब ये लगभग निश्चित लग रहा है, क्योंकि दूसरी बार है जब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई और उसमें खड़ग प्रसाद शर्मा ओली नहीं पहुंचे, और उन्होंने आने से ये कह दिया कि मैं बाद में आऊँगा, और मीटिंग हो गई। और इस मीटिंग के दौरान ज़्यादातर जो लोग थे वो इस पक्ष में थे कि ओली को अब अपने पद से इस्तीफा दे दें। दरअसल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में दो अध्यक्ष इस समय हैं, और दो अध्यक्ष होने की वजह ये है कि ये दो गुट थे जिन्होंने सत्ता के लिए गठबंधन किया। एक गुट था प्रचंड का और दूसरा गुट था केपी ओली का। अब इन दोनों ही गुट के अंदर मारामारी चल रही है, तनातनी चल रही है। और जैसे कि अभी ताना घटनाक्रम बने हैं कि चीन ने नेपाल की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, और दूसरी तरफ नेपाल ने भारत की भूमि को अपने नक्शे में दिखाने का एक प्रस्ताव पारित करा लिया। उसके बाद नेपाल में काफ़ी उथल पुथल हुई, और उसके बाद जिस तरीके से प्रचंड के बार बार बयान आ रहे थे कि केपी ओली पूरी तरीके से विफल रहे हैं, सभी मोर्चों पर उनकी सरकार नाकाम रही है, और इसी वजह से या तो वो इस्तीफा दे दें या मैं उनकी सरकार को गिरा दूंगा, पार्टी में एक तरीके से हम दल बदल करा देंगे, पार्टी को तोड़ देंगे। और जब ये खबर लगी ओली को, तो ओली ने सीधे तौर पर भारत सरकार को इसके लिए दोष देना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि मेरी सत्ता को अस्थिर करने की कोशिशें दिल्ली से हो रही हैं। लेकिन हकीकत अब ये है कि नेपाल में ओली के दिन बहुत कम बचे हैं। वहीं दूसरी तरफ चर्चा ये है कि अगर ओली के बाद दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो वो कौन है। सबसे ऊपर तो नाम प्रचंड का ही चल रहा है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रचंड को अगर नहीं बनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ केपी ओली इस बात को पहले भी कहते रहे थे कि अगर उनको हटाया जाता है तो वो अपने जो उत्तराधिकारी के तौर पर वामदेव गौतम के नाम को कई बार आगे कर चुके हैं, और उनके धड़े के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि वामदेव गौतम को प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाए, क्योंकि अगर उन्हें ये कुर्सी मिलती है तो शायद ओली के लिए कुछ बचाव रहेगा। लेकिन अगर प्रचंड के पास ये कुर्सी जाती है तो निश्चित तौर पर प्रचंड ओली से बदला लेने के लिए तमाम कदम उठाएंगे, इसकी उम्मीद खड़ग प्रसाद ओली को पूरी तरीके से है। और अब ऐसा लगता है कि खड़ग प्रसाद की कुर्सी तो जानी जानी है, लेकिन कुर्सी पर बैठेगा कौन, पुष्प दहल कमल बैठेंगे या फिर वामदेव गौतम बैठेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज जिस तरीके से नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में ज़्यादातर लोगों ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि अब केपी ओली को कुर्सी पर बैठाए रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। सीधे तौर पर कुर्सी जा रही है जिसकी भनक ओली को लग चुकी है। अब ओली की कोशिशें यही हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे जो उनके साथ थोड़ा रहम करे। लेकिन दूसरी तरफ पुष्प दल कमल को भी ऐसा लगता है कि सारी की सारी सत्ता उनके हाथ में रहनी चाहिए, और जिस तरीके से नेपाली संसद के अंदर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का बहुमत है, उसमें 174 सीटें इस पार्टी के पास हैं, इसलिए सत्ता तो इन्हीं के पास रहेगी। 63 सीटें नेपाली कांग्रेस के पास हैं, तो लेकिन ये है कि अब वहाँ का प्रधानमंत्री बदलने जा रहा है। और जैसा कि देखने को मिल रहा था नेपाल की तरफ से जिस तरीके की बातें की जा रही थी, और ओली अपने बचाव के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत का कार्ड खेलकर, राष्ट्रवाद का कार्ड खेलकर खुद को बचाने की और इस राष्ट्रवाद के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने लिपुले कालापानी और लिम्पिया धुरा को अपने नक्शे में दिखाया, उस नक्शे को पास कराया। और उसके बाद अभी ताज़ा खबर कल की ये थी कि
86 नए बॉर्डर आउटपोस्ट खोलने की बात की जा रही है ओली के द्वारा, जिसमें 10,000 सशस्त्र प्रहरी बल के लोगों को लगाया जाएगा। और इसकी वजह ये बता रहे थे केपी ओली के, भारत की तरफ से जो लोग आते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। वहीं दूसरी तरफ नेपाली जनता और नेपाल के जो अर्थशास्त्री हैं वो स्पष्ट तौर पर ये बार बार कह रहे हैं कि अगर ओली ने नेपाल के लिए भारत के बजाय चीन को चुनने की गलती की तो नेपाल पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा। उसकी वजह यह है कि चीन के साथ नेपाल का जो रिश्ता है वो उस तरीके से नहीं हो सकता जो भारत के साथ है। भारत ने हमेशा नेपाल को अपने बराबर का दर्जा दिया, लेकिन दूसरी तरफ चीन की जो नीति रही है वो हमेशा दूसरे देशों की ज़मीनें हड़पता रहा है, पहले उनकी मदद करता है, पहले उनको फाइनेंस करता है और उसके बाद उनकी ज़मीनों पर कब्जे कर लेता है। चीन की यही नीति तिब्बत को लेकर रही थी और तिब्बत को पूरी तरह कब्जा करने के बाद पाकिस्तान में भी उसने जिस तरीके से CPEC बनाया और पाकिस्तान को पहले कर्जा दिया, उसके बाद उसकी तमाम ज़मीनों पर तमाम चीज़ों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, वही स्थिति नेपाल की होती हुई दिख रही है। और नेपाल के एक बड़े अर्थशास्त्री ने यह भी बताया कि किस तरीके से भारत और नेपाल के जो बीच आर्थिक संबंध है उसको चीन के द्वारा किसी भी हालत में पूरा नहीं किया जा सकता है। भारत से नेपाल का 60% आयात होता है और नेपाल के जो मुद्रा है भारत में कन्वर्टेबल भी रहती है, भारत की मुद्रा में नेपाल में व्यापार हो सकता है, लेकिन चीनी मुद्रा के साथ काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। और चीन के साथ जो नेपाल आयात करता है चीन से वो है केवल 14%। वहीं दूसरी तरफ अगर समुद्री पहुंच की बात की जाए तो भारत के रास्ते से नेपाल की समुद्री पहुँच ज़्यादा आसान है, ये करीब 1200-1300 किलोमीटर पड़ती है, जबकि अगर वो चीन के रास्ते समुद्र तक पहुंचना चाहेगा तो किसी भी हालत में 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता उसे नापना पड़ेगा। तो इस पूरी स्थिति के अलावा जो सांस्कृतिक संबंध है भारत नेपाल के बीच में और जो लोगों का जुड़ाव है उसको देखते हुए भी नेपाल की ज़्यादातर जनता भारत के साथ मधुर संबंध बनाए रखना चाहती है। जो समझदार लोग हैं, जो वहाँ के ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं, पुराने लोग हैं, वो इसी के पक्षधर हैं कि भारत के साथ रिश्तों को न बिगाड़ा जाए। और अगर केपी ओली ऐसा कर रहे हैं तो इसी वजह से नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी होने के नाते चीन की पहले से पक्षधर थी, लेकिन इस हद तक नहीं है कि वो किसी भी हालत में भारत के साथ संबंधों को तोड़कर चीन के अधीनता को स्वीकार कर ले। चूँकि ज़्यादातर लोग उसमें नेपाली संस्कृति के मानने वाले हैं और अब उनको भी समझ में आ गया है कि अगर चीन के इस विस्तारवादी जाल में वो फंस गए तो फिर कभी निकलने का रास्ता उनके पास नहीं रहेगा, क्योंकि चीन के जाल में जो फंस जाता है वो उसी का होकर रह जाता है। चीन उसको निकलने का मौका नहीं देता बल्कि उसको पूरा का पूरा निगल जाता है, जैसा कि तिब्बत के बारे में हुआ था। और यही वजह थी कि भारत की तरफ से बार बार नेपाल को आगाह किया जा रहा था, नेपाल को संदेश दिया जा रहा था। और इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो गोरखनाथ पीठ के महंत हैं और इस गोरखनाथ पीठ को नेपाल में बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। वहाँ के राजा, यहाँ के जो महंत होते थे उनको राजगुरु मानते थे, लेकिन जब से वहाँ राजतंत्र का पूरी तरह खात्मा किया गया है उसके बाद में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर इस तरीके की चीज़ें बढ़ी। और केपी ओली को लेकर तो यहाँ तक बातें हैं कि जो नेपाल में चीन की राजदूत है उसके इशारों पर वो काम करते हैं। इसी बात को प्रचंड ने एक तरीके से हाईलाइट करने की कोशिश की और यही वजह रही कि उस स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में प्रचंड ने ये कहा कि केपी ओली जिस तरीके की अनर्गल बातें कर रहे हैं, जिस तरीके के अनर्गल काम कर रहे हैं, उससे लगता है कि वो अपने बचाव में किसी के भी ऊपर आरोप लगा सकते हैं, किसी को भी षड्यंत्रकारी बता सकते हैं। और उन्होंने जिस तरीके से भारत को षड्यंत्रकारी बताया उनकी सत्ता को लेकर, वो एकदम गलत है, एकदम झूठ है। और केपी ओली की ही बात का खंडन कर दिया था प्रदीप गावियाल ने, जो कि पाल के विदेश मंत्री है। उन्होंने भी कहा था कि भारत का कोई किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं है नेपाल में, लेकिन केपी ओली जो बयान दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। ये अब प्रचंड ने पूरी तरीके से इस पर मुहर लगा दी है, पूरी पार्टी ने मुहर लगा दी है और ऐसा लगता है कि अब जल्द ही केपी ओली को जाना पड़ेगा और उनकी जगह कौन बैठेगा ये चर्चा का विषय है। वामदेव गौतम से लेकर प्रचंड तक का नाम है, हालांकि कुछ और लोग हैं जैसे झालानाथ खनाल हो या फिर माधव नेपाल हो। वामदेव गौतम का इसलिए भी थोड़ा सा
वजन हो सकता है क्योंकि वो गृह मंत्री रह चुके हैं और उपाध्यक्ष भी हैं पार्टी के, तो इस नाते भी उनका जो वजन बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ केपी ओली भी ये चाहते हैं कि अगर उनकी जगह कोई दूसरा बैठे तो कम से कम प्रचंड तो नहीं होना चाहिए, और प्रचंड नहीं होना चाहिए तो प्रचंड के बाद पार्टी में इस समय अगर ताकत के हिसाब से देखा जाए और दबाव के हिसाब से देखा जाए तो वो वामदेव गौतम के पास है। तो आने वाले दिनों में, एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा कि किसको मिलने वाली है नेपाल के प्रधानमंत्री की कुर्सी, लेकिन अब इसकी संभावना पूरी तरह से दिख रही है कि केपी ओली की विदाई का समय लगभग अब घोषित होने वाला है। और जिस तरीके से नेपाल की स्थितियां बन रही हैं उसके बाद भारत की तरफ से भी एक संकेत दिया जा रहा है। भारत नेपाल से बिजली खरीदता है, लेकिन अब वहाँ जिस तरीके से केपी ओली ने चीनी कंपनियों को, चीनी बिजली निर्माण की कंपनियों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, उसकी वजह से भारत इस दिशा में भी अब आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कि नेपाल से जो बिजली खरीदी जा रही है उसकी सप्लाई को बंद किया जाए, क्योंकि इससे नेपाल की बजाय चीन को ज़्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अब चीनी कंपनियां नेपाल में बिजली उत्पादन कर रही हैं और भारत जो बिजली खरीदेगा उसका फायदा इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से चीनी कंपनियों को मिलेगा, इसलिए भारत सरकार का ये कदम भी नेपाल के लिए बहुत झटके देने वाला होगा। और ये झटका बिजली के 440 वोल्ट से किसी तरह कम नहीं होगा, और झटका तो केपी ओली को पहले ही मिल चुका है। उन्होंने जिस तरीके से भारत और नेपाल के संबंधों को बिगाड़ने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, और नेपाल की गद्दी पर कौन बैठेगा ये भी हम आपको आने वाले वक्त में जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।